हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग यो व्हाट्स अप गेमर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैप्चरिंग ऑल द गेमिंग मोबाइल पे। आज मैं खेलने जा रहा हूँ पोकेमोन यूनाइट की एक और बढ़िया गेम विद गार्चोंप। अगर आपको नहीं पता इस गेम में क्या होता है तो पहले मैं आपको हल्के बहुत ही ऊपर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपने मोबाइल लेजेंड अगर गेम खेली तो ये वैसी की ही है ज़्यादातर। तो हाँ, आपको इंट्रोडक्शन छोटी छोटी देता हूँ। 5v5 करना हो तुमने, पोकेमोन तो सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो मेरी वीडियो देख लो। 5v5 करना हो तो पोकेमोन के साथ, हमारी टीम में 5 बंदे हैं, उनकी टीम में 5 बंदे हैं। हर एक पोकेमोन की वक्री एबिलिटी होती है और हमने जीतना होता है लड़ लड़ के। बस यही है 5v5 में, जिसने लास्ट में ज़्यादा पॉइंट डाले इन गोल्स में वो जीत जाएगा गेम। और मैं इस बार ये यूज़ कर रहा हूँ गिबल गार्बाइट गार्चोंप, और ये मेरे सामने बंदा आया, ये मारा, मेरे को कोई नहीं मार सकता, बच्चे हैं ये मेरे आगे भागो। चल कोई ना, और ये आपको हेल्थ बार के नीचे जो लाइन दिख रही है उससे डैमेज बढ़ जाता है, इसका मतलब डैमेज इंक्रीज हो जा रहा है धीरे धीरे। जब ये मैक्सिमम हो जाता है तो मैक्सिमम डैमेज मेरे को आउटपुट देगा, और इसमें हील भी होगी हल्की हल्की। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमोन है, पहले मेरा 4 ही दौड़ता था, अब ये हो गया। चलो अब थोड़े बंदे मार, पहले थोड़ा ये कर, किस तरह जाया जाए, लेफ्ट साइड से जाता हूँ और क्लियर करता कोस्ट। यार ये बड़ा धीरे हो रहा है, चल अब करेंगे 3-4 किल और 22 गोल, 22 पड़ी हैं ट्रॉफीज, उन्हें डालेंगे अंदर। और गाइस मैंने आपके शॉर्ट्स में कमेंट पढ़े, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने लिखा यू आर हार्ड वर्किंग, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। यार मैं शॉर्ट में उस क्लैश रॉयल खेल पाता, क्योंकि पहले तो पोकेमोन गो भी खेलता था, पर पोकेमोन गो में अब थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। और इसकी भी वीडियो मेरे को पता बड़े दिनों बाद आ रही है, वो ना मैं थोड़े काम पर बिजी हो गया था, फिर मैं बीच में खेलनी भी बंद कर दी थी, तो अब डाल रहा हूँ। कल खेली थी और रिकॉर्ड की वीडियो, बड़ी एंड गेम गई, मैं खेलनी क्यों बंद की थी पता नहीं, खेलनी बंद कर दी थी बीच में, यानी मैसेज मर गया। लैग कितना दिख गया, ये अभी तक गिबल बना रह गया, मैं गार्बाइट हो गया, वो लड़ने का सोच कैसे रहा मेरे से, गिबल मेरे से लड़ रहा है, उससे ज़रा सी भी उसे शर्म है कि किससे लड़ रहा है, देख के बंदा लड़ लेता है। 2 रुपये का मोटा सा गिबल है, मेरा गार्बाइट से लड़ रहा है। और गाइस कमेंट में बताओ आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक, पेपर से सच्चे 10th और 12th का रिजल्ट भी आ गया है, मैं ये वीडियो डाली है कि हाँ उस वक्त आ गया रिजल्ट क्या। अगर आप टेंशन में तो अपनी परसेंटेज बताओ कि किसके कितने चपेड़े बजे, कि कौन टॉपर आया, क्या हुआ सब बताओ। मैं तो इस साल मैंने 12th के पेपर देने से थोड़ा बिजी रहा हूँ, मैंने रखा भी सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल वाला है, तो इसलिए थोड़ा बिजी हूँ मैं, इसके कारण वीडियो नहीं आती ज़्यादा, जितना शॉर्ट्स आ पा रही है। पर जब मेरी 12th खत्म होगी तो हर रोज़ एक लॉन्ग वीडियो और 5-6 शॉर्ट्स आएंगी। ये 2 पोकेमोन आए, एक ये मर जाए यार, फ्लैश अंडर ने खपवा देनी बड़ी यार, मेरे को पता था मार देना इन्होंने, ये विगलीटफ को कल होल्ड कर देना था, पर फ्लैश अंडर भी आ गया साथ में, वो ले गया मेरे को। शीश यार, हाँ मेरा 12th में, मेरे 10th में तो 87% आए थे कर आके, मेरे को उम्मीद तो नहीं थी, मेरे को उम्मीद 85 थी, 87 ज़्यादा ही आ गए, 85 तक 85-90 की उम्मीद थी और 87 आए, 90-15 मार्क्स ज़्यादा आ जाए ना तो निकल जाना था 90% यार। चल कोई ना, पछताने का कहता, अब 12th में कोशिश करता हूँ कि आ जाए 90 से ज़्यादा, कोशिश ही कर सकता हूँ, पर उन्हें पढ़ा तो जाता नहीं आजकल, और ऊपर से यूट्यूब की वीडियो बनानी होती है, एडिट करने में टाइम लगता है, बनाने में क्या, एक गेम ऐसे ही खेल लेती रोज़ की, वो खेल ली यार, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे मार दी, सारे मार दी, तो राजा इस मार गए यार शीश। चल कोई ना, बड़ी बहुत बढ़िया गेम जा रही, पहली गेम है भाई ये, मैंने गेम अभी ऑन की थी और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया सीधा स्टार्ट करके, क्योंकि बाद में टाइम निकले ना निकले। ये मेरा गार्ड जो भी बन गया यूनाइट मूव भी, अब 3-4 बंदे देखे ना, इसका यूनाइट मूव बड़ा बेकार है, बेस्ट यूनाइट मूव इसका उसका लगता है, 4 ही जोड़ का बेस्ट होता है उसका यूनाइट मूव, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इसका, इसका होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, अब थोड़ा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होल्ड कर पाता था, मेरी पहले तो फेवरेट वो था 4 जोड़, पर अब है मेरा ये गिबल गार्बाइट गार्चोंप। यार बंदा तेरी राहें मेरे विगली टफ जल्दी मर जा टफ यार, ये सुला देना इसने मेरे को ऑक्सीजन है यार, सुनो बेकार है विगली टफ, एक विगली टफ तभी काम आएगी जब इसके साथ कोई स्पोर्ट देने लगेगा, वरना ही काम आ पाएगी। हाँ जैसे इसने मेरे को सुला दिया, कोई मारने वाला भी सही चाहिए साथ में, वरना सुनाने का क्या फ़ायदा यार, निकल गया विगली टफ।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए। सोए क्यों हुए हैं आगे मेरे, बताओ कितने मेरे हैं, कसम से कह रहा हूँ मैं। 99.4% व्यूअर में से 0.6% व्यूअर ने देख किया वो सब्सक्राइब, तो यार प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप चाहते कि मैं इंग्लिश में वीडियो डालूँ तो मैं इंग्लिश में भी डालने की कोशिश तो कर सकता हूँ, पर मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। और वैसे आप कमेंट में बताइए आप कौन से शहर से इंडिया के, या फिर कहीं फ़ॉरन से या तो बताइए, जैसे इंडिया से फॉरेन में सिटीजनशिप ले ली उसने जाके, तो बताइए कहाँ पे रहते हो आप। मैं तो इंडिया में पंजाब से, पंजाब अमृतसर से, रोज़ लस्सी पीता हूँ, लस्सी पी के मोटा ही जा रहा हूँ। आप भी बताइए आप कौन से शहर से हो, ये बड़ा एडवांटेज आएगी। बुप, ये बड़ा अच्छा होता है दिल की टेलो फ्लाम, ये रेजिल की अगर वो आ गया ना अटैक वजह से पहले पहले, 2 मिनट के पहले पहले, जैसे 2 मिनट 1 सेकंड में डल गया रेजिल की, तो बड़ा एडवांटेज आ जाएगी जिस टीम का डल गया। डबल मोड डलना है 1 1 सेकंड में, होल्ड रोक नहीं सकता डलने से कोई भी। अगर बंदा कंटिन्यूस अटैक भी कर रहा है ना फिर भी उनका गोल डल जाएगा, ये देखो बस दुआना ही उधर गोल दुआना है गोल, बड़ा एडवांटेज आएगी इसको। ये देखो द पावर ऑफ, बंदे ही नहीं दिख रहे, बंदे मार दे 2-3 कट्ठे अच्छे अच्छे से, पर बंदा ही नहीं दिख रहा कोई, लागे छागे आ ही नहीं रहा। आए मैं मारूं उनको, खेलना सीखूं बच्चों को, है तो अपने आगे सारे बच्चे ही ना भी, क्यों भाई बच्चे ही है ना, बंदे बड़े नू भाई यार, ये साथ साथ नहीं खेल रहे सामने वाले बंदे, साथ साथ खेल लेते वीक लीड ऑफ जिसके सामने आए वो तो मरेगा मरेगा हमेशा, साथ साथ हम भी नहीं खेल रहे पर हम पढ़ो हैं, उनके पोकेमोन है साथ साथ खेलने हैं, लेकिन साथ साथ खेलेंगे तो पोकेमोन लड़ेंगे, जैसे ये दोनों साथ खेलेंगे साथ मिल गया। मैं क्या कह रहा था, बाकी साथ साथ खेलेंगे तब ये जीत सकते हैं, वरना तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। She don't know, Munda ji de te crazy. She don't know, she don't know, Puri yo de te desi. गाइस आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा तो है अरिजीत सिंह, हरदलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला 295। ए गया गया यूनाइट मूव, आए आए मैं इंतजार कर रहा था कोई तो आए सामने यूनाइट लूं। बड़ी इतनी गेम इतनी जैसे मैंने बनाया बस, हाय ये मैंने बस बात की थी ना इस चीज की, अभी अंदर बढ़ेगा उसके और इतनी हमें एडवांटेज आएगी, इतनी एडवांटेज आएगी किसी ने सोची ना होगी। 43 40 56 हो जाएंगे, 56 86 और ये 108 हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे। बस मेरे को वहाँ पे जाके प्रेस करना है, गोल कोई नहीं रोक पाएगा, बस प्रेस करना प्रेस। मरने लगा था, बड़ा अच्छा होल्ड दिया उसने वो, अगर वो रैक वजह ना मारते ना मर जाना था मैंने कसम से, इतने थोड़ी हेल्थ थी तीनों बंदे, वो जानी गोल को दबाने नहीं दे रहा था, मैं बड़ा रोना था अगर मर जाता, वो गोल को बस टच करने की बात मर गया, टच करने की बात है ऐसे गोल को दबाना था गोल के ऊपर, गोल था अगर ये रोकता ना मेरा गोल तो इसका बाल इनके घर आके इनको मार के जाता। यार इतना बड़ा रिवाइव क्यों हो गया है, चलो जीत ही गए हैं, एक दो किल निकाल दो जिंदा हो गए, एक किल निकल जाना जिंदा हो गए मज़ा ही आ जाएगा। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लोज इज कमिंग, किल्ला 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 किल्ला, ओए 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 बदमाशी बदमाशी बदमाश मर रहा है मेरे आगे, बदमाशी कर रहा है, बदमाशी नहीं चलेगी मेरे आगे, नाइट मूव लगाया दिया ना अब करो बदमाशी कर रहे मेरे आगे, बदमाश मर रहे बैड मोस, चल चल ये का मेरा खिल चोरी हुआ अपना हाथ होनी। हाँ डेडपूल लवर निकलिंग इन योर आईज वी फील लाइक लवर, आप इंग्लिश गाने सुनते हो गाइस, गाइस से बड़ा अजीब लगता है गाइस गाइस, आपने आज ये देखा, वाह ये कितना सही गोल डाला,
चलो बाय गाइस। देखो मैं MVP गाइस मेरा ही आएगा, देखते कितने की लाते गाइस। गाइस मेरे 15 किलो के गाइस, 5 असिस्ट के साथ।